इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे बेलगाम शहर में एक धूम मची हुई है, एक सरगर्मी जारी है बल्दिया इंतखाबात की, यानी कि कॉरपोरेशन चुनाव की। कॉरपोरेशन चुनाव में एक अरसे से हमने देखा है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति का बेलगाम शहर में तसल्लुत रहा है, उनका दबाव रहा है, उनका वर्चस्व रहा है एक तरह से। लेकिन वक्त के चलते, हालात के चलते, आज एक ऐसी मोड़ पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति आकर खड़ी है। कई हम बेलगाम शहर के मुख्तलिफ कायदों से, मुख्तलिफ लीडरों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब शुभम शेड़के साहब, जो यूथ समिति के वो सदर हैं। बेलगाम शहर में वो एक नए से समिति के अंदर जान लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले से भी देखा है कि बेलगाम शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आज़ादी से पहले तक यहाँ पर काफ़ी मराठी लोगों का रसूख रहने की वजह से इसे महाराष्ट्र में ही रखा गया था। लिहाजा बॉम्बे स्टेट के अंदर वो था, फिर उसे मैसूर में डाल दिया गया। तब से जो है यहाँ के मराठी लोग चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र में, यानी कि ज़बान के एतबार से मराठी ज़बान होने की वजह से वो महाराष्ट्र में जाने की चाहत पिछले 70 सालों से रखते हैं। सबसे पहले शुभम छड़के साहब, हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल। ये बताइए कि जिस कदर हमने ये भी देखा है बेलगाम शहर में कि कभी 7 MLA भी हुआ करते थे बेलगाम शहर से, और जहाँ तक बल्दिया यानी कि कॉरपोरेशन का हमारी नज़र में है कि एक 5 बार कन्नड़ मेयर छोड़ने के बाद अक्सर मराठी मेयर ही रहा हुआ है। लेकिन वक्त के चलते अब ऐसा लग रहा है कि मराठी अस्मिता, जिसे कहा जाता है कि मराठी की अजमत के लिए जो एक तहरीक, एक जंग जो छिड़ी गई थी, वो कहीं तो भी धीमी हो चुकी है। क्या फिर उसमें दोबारा जान लाई जा सकती है, और जो आने वाले बल्दिया इंतखाबात हैं उसमें फिर से यह समिति अपना वर्चस्व, अपना तसल्लुत कायम कर सकती है? बताइए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने पहले भी ऐसे बहुत से तूफानों का रुख मोड़ के दिखाया है, और इसके आगे भी जो महानगर पालिका के जो चुनाव होंगे वहाँ पे महाराष्ट्र एकीकरण समिति का ही झंडा लहराएगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि ये जो चल रहा है इनका, जो अभी आज भी एक वहाँ पे कुछ एक ये हुआ, तो वो सब क्या बोलते हैं उनको, एक उनको ये हमारे जो सीमा प्रश्न है इसका मोटिव उनको पता नहीं है। ये किसी भाषा के, किसी धर्म के, किसी जात के, किसी पद के, किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। 1956 में जब लैंग्वेज बेस्ड स्टेट फॉर्म हुए, तब मराठी बहुभाषिक भाग जो बेलगाम था, बेलगाम के साथ 865 जो हमारे गांव थे उन पे अन्याय करके हमको हमारे जो हमारे लैंग्वेज मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा के महाराष्ट्र में शामिल न करते हुए इन्होंने कर्नाटक में डाला, उसका निषेध करने के लिए हम ये आज तक ये जंग हमारी जारी है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। नहीं, ये क्या वजह है शेखे साहब कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति का जब तसल्लुत हुआ करता था कभी, हमने देखा है, इसकी वजह क्या रही कि आज आपका जो यूथ है, जो मराठी भाषिक, आज हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट होता नज़र आ रहा है, जिससे भाजपा को सीधे फायदा हो रहा है? ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे, जो धर्म के नाम पे जो ये गंदी राजनीति की है, इसका ये परिणाम है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति और बेलगाम, ये मतलब ऐसा हमारा था कि हम सारे भाषिक, अभी यहाँ पे कन्नड़ भाषिक भी है, उर्दू भाषिक, हिंदी भाषिक जो भी है, यहाँ पे कोई किसी के साथ, मतलब हम लोग सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। मसला यही था कि जो 1956 को जो हमारे ऊपर अन्याय हुआ था, उसके विरोध, उसका विरोध करने के लिए, और हमको न्याय मिलेगा इस ऐसी आस रख के हम यहाँ पे हमारी जंग जो जारी है, और ये आगे भी जारी रहेगी, और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम ये आपको दिखा के रहेंगे कि बेलगाम ये मराठी लोगों का ही है और मराठी लोगों का ही रहेगा। नहीं, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि मुल्क हो या कोई माशरे के अंदर तब्दीली, यानी कि एक इनकलाब रोनुमा करते हैं, तो वो नौजवान होते हैं उस देश का, उस समाज का यूथ जो है इसमें अक्सर काम करता है। जो शिफ्ट हुआ है हिंदुत्व की तरफ मराठी नौजवान, उसे कैसे आप वापस लाएंगे?
इसीलिए हमने ये जो समिति की डोर संभालने के लिए हमने अभी ये दो तीन साल से जब हमको ये महाराष्ट्र एकीकरण समिति के यूथ विंग पे जब हमारी नियुक्ति हुई, उसी दिन से हमारा एक ही मकसद है कि ये जो रास्ता छोड़ के जिनका ब्रेन वॉश किया गया है उस यूथ को फिर से हमारे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के ये हमारा जो लड़ा है उसका जो महत्व ये लोग भूल रहे हैं उसके पीछे उनको फिर से लाने का ही हमारा मकसद है। और ये जो गंदी राजनीति है ये खाली बेलगाम में नहीं है, देश भर में चालू है। तो आज ज़रूरत है कि हमारे यूथ को कोई तो समझाने वाला चाहिए और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये जो भारत देश है ये कभी भी नफरत की राजनीति नहीं करता था और आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा ये अक्सर कहा जाता है कि यूथ जिस तरह से शिफ्ट किया गया, और एक मुहावरा भी कहा जाता है कि आमची मुला स्टडीत आणि तुमची कस्टडीत, मतलब जब फसाद होता है या कोई हादसात होते हैं तो किसी एक मखसूस माशरे को आगे करके पीछे से जो सियासत खेली जाती है, ये सियासत के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के जो कायद थे, जो लीडर थे, उन्होंने कहीं तो गुमराही की है या तो इनकी कायली ने आज ये मई समिति को इस मकाम पर लाकर खड़ा किया है, ऐसा नहीं लगता आपको? महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कभी भी हमारे जो युवक हैं इनको तकलीफ हो ऐसा कभी भी नहीं चाहता। और जो एक गलती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के हमारे नेताओं से हुई कि जब भी उन्होंने हमारे यूथ को, जब भी आपने बोला कि जो कस्टडी में हमारा यूथ था उनको छुड़ाया, मगर वो पर्दे के पीछे से छुड़ाया था और वहाँ पे जो पब्लिसिटी ली वो ये हिंदुत्ववादी या धर्म और जो जात पात की राजनीति करने वाले लोगों ने जाके वहाँ पे हमारे यूथ को गुमराह किया कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति खाली तुमको पुश करती है और जब कोई तुमको तकलीफ हो तो वो कोई नहीं आता। मगर आज भी जब जब बेलगाम वासियों पे और ये बेलगाम पे जब जब अन्याय हुआ है तब तब महाराष्ट्र एकीकरण समिति ही बेलगाम की जनता के पीछे खड़ी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 50 करोड़ का खेल खेला गया कि मराठी प्राधिकरण के नाम पर, तो जिसकी वजह से मराठियों में कहीं तो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा को लेकर होगा, क्यों जाहिर है भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व का खेल खेलती है। तो फिर ऐसे वक्त में जबकि आपके सामने दो चैलेंजेस हैं, एक तो पहले जो गया हुआ है उस युद्ध को पीछे लाना, फिर दूसरा जो मराठी के लिए जो 50 करोड़ दिए गए इस लालच में जो गए हैं, या तो फिर जो सहूलत कुछ लोग कबूल भी करते हैं, तो इनको आप कैसे करेंगे बताइए? पहली बात तो ये जो प्राधिकरण ये मराठी नहीं है, ये उन्होंने मराठा लोगों के लिए दिया है। मराठा और मराठी ये दोनों अलग राजनीति के मुद्दे हैं। हम तो कभी मराठी को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया था, मगर येडियुरप्पा जो अभी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने सीधे सीधे 2018 में चुनाव के वक्त बोला था कि मराठी लोग हमारे विरोधी है। तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये उन्होंने दी हुई भीख है, एक उन्होंने दिया हुआ एक लालच का एक ट्रैप है, उसमें हमारे लोगों को नहीं फंसना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं आपकी ये जो नौजवान का ये शुभम शेड़के साहब, एक नया रुख, एक नई दिशा देने की कोशिश महाराष्ट्र एकीकरण समिति को देने की वो कोशिश कर रहे हैं, जहां आज हम सब जानते हैं कि कॉरपोरेशन के सामने एक बार फिर कन्नड़ परचम लहराकर एक तरह की ज्यादती की है, ऐसा इनका कहना है। लिहाजा आने वाले दिनों में क्या वाकई मराठी समाज, मराठी भाषिक और ये मराठी यूथ वापस पलटकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की तरफ आएगा और जो जंग उनके बुजुर्गों ने लड़ी थी, कुर्बानियां पेश की थी, उस पर वो फिर से अपना हाथ बढ़ाएगा या फिर हिंदुत्व के जो एक लालच या तो कहिए जो ट्रैप, जो जैसा कि शुभम चड़के साहब कह रहे हैं, तो इस ट्रैप में वो फंसता जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।